नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए होने वाला प्रचार अभियान गुरुवार की शाम पूरी तरह थम गया, लेकिन अन्य चरणों के लिए पूरे यूपी में अभी भी चुनाव सभाएं जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की रैलियां लगातार हो रही। हर कोई विपक्षी नेता पर कड़े प्रहार कर रहा। पीएम नरेंद्र मोदी भी कमोबेश हर रोज यूपी में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सत्ता को बचाने की जुगत में लगे अखिलेश और डिंपल यादव के साथ साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जनसभाओं से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी पूरा दम लगा रही है। इतनी रैलियों में अगर देखा जाए तो नेताओं के पास गिने चुने कुछ ही मुद्दे हैं जिन्हें ये सभी नेता लगातार दोहरा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी दिए गए हैं जो लोगों के जहन में घर कर गए। इस सबके बीच मुस्लिम मतदाता मास्टर की बनते जा रहे हैं। बीजेपी को तो ज्यादा उम्मीद है नहीं, पर हां, सपा कांग्रेस गठबंधन और बसपा जरूर अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिशें कर रही है। यही हमारा आज का विशेष। अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें, इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में सभी राजनीतिक दल पहले चरण के रण में हाथ आजमाने के लिए तैयार है। शनिवार को यूपी में पहले चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया है और सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने अगले चरण की तैयारियां शुरू कर दी। पीलीभीत में अखिलेश ने चुनावी रैली को संबोधित किया और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मन की बात करते हैं और समाजवादी काम की करते हैं। विविधता के लिए मौका इस बात के लिए भी है कि इनको सबक सिखाना है। बताओ इनके पास कोई बात हो तो बताए, हमें जमीन पर उतरी हो। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया हो तो बताते। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। वहीं बिजनौर में पीएम मोदी, समाजवादी और राहुल गांधी पर हमलावर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि ये गठबंधन दो पार्टियों का नहीं बल्कि दो कुनबों का है। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। माताओं बहनों पर होने वाले इतने भयंकर जुल्म और आप इस प्रकार की भाषाएं बोलते हो, और कुनबे के मुखिया को कहां तक कह दिए। अरे बोले बलात्कार तो होते रहते, उसमें सजा वजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। ये लड़के लोग लड़कपन में गलती कर देते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस कुनबे की ये सोच हो, जिस कुनबे की ये परंपरा हो, आप तय करिए भाइयों बहनों, क्या ऐसी सोच वाले माँ बेटियों की रक्षा कर पाएंगे क्या। वहीं पीएम मोदी ने हरिद्वार में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब देवभूमि का नाम लेने पर दागी सरकार की याद आ जाती है। लेकिन भाइयों बहनों, आज वक्त बदल चुका है। अब वो दिन नहीं रहे, आज देवभूमि बोलते ही दागी सरकार दिखाई देती। मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है तो वो पार्टी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या संभालेगी। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है तो फिर ऐसी स्थिति। 15 जिलों की 73 विधानसभा सीट पर शनिवार को चुनाव होना है। वेस्ट यूपी मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। बीजेपी समेत सभी दलों की चिंता उनके रुख पर निर्भर करती है। इस वक्त सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर टिका है। उनका बंटवारा रोकने की कोशिशें तेज हो रही है। दिल्ली के शाही मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी 2012 में जहां एसपी के पक्ष में खड़े थे, वहीं इस बार वो बीएसपी के पक्ष में मुस्लिमों से वोट करने की अपील कर चुके हैं। शी आलम कलवे जवाब भी बीएसपी की तरफ नरम रुख अपना रहे। इसके अलावा उलेमाओं के कई संगठन भी बीएसपी को चुनाव में वोट देने की 3 दिन पहले ही अपील कर चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। तो रैलियों का जोर है और होगा भी, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो रहे हैं और
कल से पहले चरण का मतदान होगा, तो पहले दंगल के लिए तैयारियां तो सभी ने कर रखी थी, अब दूसरे दंगल की तैयारियां शुरू हो गई। बहरहाल हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान, हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि सक्सेना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के सक्सेना, साथ ही लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब के पास और जानेंगे कि इस समय जो वो पहुंचे हैं, तमाम रैलियां उन्होंने कवर की हैं, क्या कुछ खास नजर आया रैलियों में? रिजवान जी, तो अब जो पहले चरण का चुनाव है, इस पर सबकी साथ नाव पर लगी हुई है, मतों की पूरी तरह से कोशिश है। चीजों में बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस और सपा इसके रिजवान जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे आपको जोड़ने के लिए। बहरहाल अभी हम अपने मेहमानों से चर्चा करते हैं। के सक्सेना जी, रैलियों का जो दौर चल रहा है, अंतिम दौर भी आपने देखा, उसके पहले की बंदिशें लागू हुई, किस स्तर पर जा रही हैं ये रैलियां और भाषण? क्या है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से पार्टियां घोषणा पत्र के आड़ में जनता को लोभ लालच दे रही हैं, जिस तरह से कहते हैं उनको लुभाने की बात कर रही हैं, इस पे एक सख्त कानून बनाना चाहिए निर्वाचन आयोग को। क्योंकि जब हम नोट बांटने पे कहते हैं को अपराध मानते हैं, शराब बांटने को अपराध मानते हैं, तो हमको कहते हैं इसको सख्ती से रोकना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक तरह का कहते हैं रिश्वत का ही कहते हैं जनता को वो है, और जनता को नाकारा बनाने की बात है कि हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, और इस तरह रैलियों में ये बातें करना और प्रचार करना ये राष्ट्र के लिए भी हित नहीं है और उत्तर प्रदेश के लिए भी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब तो व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यक्तिगत आरोप तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, पार्टियों को इस बात में आचार संहिता का पालन करना चाहिए, एक दूसरे पर इस प्रकार के ओछे कटाक्ष करना ये निंदनीय है, और हम पत्रकारों को भी इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। चलिए रवि सक्सेना जी, क्या आपको लग रहा है कि कमोबेश तकरीबन हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभाएं कर रहे हैं, और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा जाता है, अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा जाता है। पिछले दिनों देखा हमने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी पर काफी तीखे प्रहार किए। देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रैलियां कर रहे हैं, जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से उनमें घबराहट है, आप देखें प्रधानमंत्री पहले जिस तरह से बोलते थे, आज उनके भाषण में चीख और चिल्लाहट ज्यादा दिखती है। वो अपना संतुलन धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूपी में और उत्तराखंड में उनकी जमीन लगातार खिसकती जा रही है, क्योंकि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जो वादे किए थे, जो लुभावने सपने इस देश की जनता को उन्होंने दिखाए थे, उसकी कसौटी पर वो 5% भी खरे नहीं उतरे हैं, बल्कि और इस देश की जनता को उन्होंने त्रासदी दी है, महंगाई बढ़ाकर,
नोटबंदी करके और जिस तरह से वो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। दिल्ली की आप देखें, आपने भी बात की, दिल्ली में जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है, अधिकारियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। नेताओं का कहना है, ये तो हमने नेताओं की बात ली है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी की मायावती इस बात को कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्योंकि सब तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, हालांकि पुलिस नियंत्रण जरूर केंद्र सरकार के। आपको रूपेश मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था और पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है, उसमें केजरीवाल जी का कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई केजरीवाल जी को के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल जी और जो दूसरे मोर्चे हैं उस पर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, पर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री का एक सम्मान होता है, उस हिसाब से उनको बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वो भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, चाहे संसद में हो चाहे आम सभाओं में हो। और शैलेंद्र प्रधान जी क्या जवाब देंगे आप, आखिर क्यों भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी? हमने देखा कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव को सचेत किया कि जिस नेता पर सबसे ज्यादा चुटकुले बनते हैं आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह कहा जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं पहले तो एक उदाहरण दूं कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक अंधा था एक लंगड़ा था और उनको दूसरे गांव जाना था, तो अंधा के कंधे पे लंगड़ा चढ़ गया और वो दूसरे गांव पहुंच गए। पर यहाँ दूसरे गांव में इन्होंने ये सोचा था यादव वोट हो जाएंगे, मुस्लिम वोट हो जाएंगे और कांग्रेस के वोट हो जाएंगे, पर अब वो मुस्लिम वोट तो बट रहे हैं, वो मायावती के साथ जा रहे हैं और यादव जो ओबीसी हैं उसको छोड़ के बाकी सब ओबीसी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इनका जो सपना था वो टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट में, आज टाइम्स ऑफ इंडिया का भी सर्वे आया है कि एब्सोल्यूट 216 सीटें आ रही हैं और उसने तो 100 सीटें दी हैं बीजेपी सपा और कांग्रेस कंबाइन को, 90 सीटें दी हैं बसपा को। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, पर निश्चित ही जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अबू आजमी जी बसपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं मुस्लिम मतदाता, तमाम अपील की जा रही है, दिल्ली से भी अपील हो रही है, लखनऊ से भी अपील हो रही है, क्या आपको लग रहा है ये संभावना बन रही है कि गठबंधन की तरफ ना जाकर अल्पसंख्यक वोटर्स बसपा की ओर आए? मुझे अगर आप बता दें कि दिल्ली से कौन कर रहा है तो मैं भी बता दूं कि उनके उनके रिक्वेस्ट से कितना वोट मिलने वाला है। चलिए, तो आप मानते हैं कि दिल्ली से शायद अपील का कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर दिल्ली से अहमद बुखारी साहब अपील कर रहे हैं तो अहमद बुखारी साहब पहले बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं जी, इसके पहले बीएसपी को कर चुके हैं, आज भी समाजवादी पार्टी में उनका दामाद एमएलसी है। अपने दामाद को, अपने खुद के दामाद को मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर से बार बार पूरे यूपी में प्रचार करने के बाद भी जो आदमी एक अपने दामाद को चुनाव नहीं जितवा सकता वो क्या मुस्लिम वोट दिलवा सकता है? समाज कोई मुस्लिम नेता या कोई नहीं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कामों को देखते हुए 100% मुसलमानों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ से है। ये बीजेपी और बीएसपी के लोग कितना भी मुसलमानों को नाम पर लाएंगे, इनको पैसे दे करके इनसे जो ऐलान करवाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब मार्च में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो इनके हाथ में निर्भरता सन्नाटा मिलेगा, सारा सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की अलायंस वाले सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। ये मायावती जी परेशान है बेचारी, घबराई हुई है, बीजेपी का डिब्बा गोर हो रहा है, मुसलमान हो या हिंदू हो ये धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर सब लोग वोट समाजवादी को देंगे। ये अबू आजमी जी पत्थर की लकीर है, ये सब जो पैसे दे करके मीडिया में छपवाया जा रहा है, एक इनके इनको अपील की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, एक वोट भी यहाँ जाने वाला नहीं है। चलिए अबू आजमी जी, राजनीति की बात नहीं, अबू आजमी जी एक सवाल का जवाब चाहेंगे। अमित शाह जाट वोटर से कहते हैं कि यदि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसे वोट देंगे? आप क्या कह सकते हैं मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देंगे? इसलिए देंगे कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे, अखिलेश यादव एक ऐसे हिंदू का नाम है जो हिंदू और मुसलमान को अपने बदन की दो आंखें समझते हैं, हिंदू और मुसलमान को एक तरह देखते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है बल्कि इंसान देखा है और हर समाज के साथ इंसाफ किया है। आज 5 साल में जितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में हर समाज का, मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है,
पांच साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेसी कहीं नहीं है। रिजवान जी, आपने अबू आजमी जी की बात सुनी, क्या आपको लग रहा है क्या मुस्लिम वोटर्स बीएसपी की तरफ जा रहे हैं या गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? आप वहां पर हैं, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो ऊपरी तौर पर जो केस दिख रहा है, जिस तरह से बुखारी की अगर हम बात करें, इमाम बुखारी की बात करें, उलमा काउंसिल की बात करें, ये सारी चीजें जो है ये सतही तौर पर तो दिख रही है, लेकिन अंदर खाने में मुस्लिम किस तरह से क्या करेगा, किसको मतदान करेगा, ये कहना बहुत आसान नहीं है। हाँ, इतना जरूर तय है कि जब सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात आ रही थी, उस दौर में समाज की ओर से एक अपील की तरह एक माहौल था कि अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो उन्हें वोट देने में आसानी होगी और मतों का विभाजन नहीं होगा। हाँ, इस बीच में मायावती ने कई कोशिशें की हैं और दलित और मुस्लिम इक्वेशन बनाने की जो एक कोशिश की जा रही है उसके तहत उससे आपकी आवाज कट रही है रिजवान जी। जी जी, चलिए भट्ट जी से भी बात करेंगे, आपकी आवाज कट रही है रिजवान जी, हम आरसी भट्ट जी से भी बात करेंगे। आरसी भट्ट जी, मुस्लिम वोटर्स क्या सरकार बना सकते हैं, क्या इस पोजीशन में है उत्तर प्रदेश में कि यदि एक तरफा वोटिंग होती है तो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे मुस्लिम वोटर्स? रुपये से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को परेशान कर रहा है कि ये मुस्लिम जो वोटर हैं जो लगभग तकरीबन 90 सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ये किधर जाएंगे, ये किस पार्टी को चुनेंगे और ये वोट इनका बहुत साइलेंट होता है। लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं, जिस तरह के हम प्रथम चरण के जो चुनाव भी खासतौर पर प्रचार कंप्लीट हुए हैं, कल वोटिंग है, उस पर अगर थोड़ा सा हम नजर डालें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 15 जिलों का बेल्ट है, 73 सीटों पर मतदान होने हैं, तो उस पर अगर हम कहीं ना कहीं नजर डालें तो वोट बढ़ता नजर आ रहा है और काफी वोट जो है वो मायावती के पक्ष में दिख रहा है। भाजपा की भी ये बड़ी छटपटाहट है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा की सीटें हैं उसमें 90 सीटों का बड़ा प्रभाव है, यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता एक तरफा अगर किसी पार्टी की तरफ जाते हैं तो वो निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं, यानी कि बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं। इसीलिए पूरी शिद्दत के साथ जो है अगर हम कहें तो मायावती ने 100 प्रत्याशी उतारे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और खासतौर पर अखिलेश यादव ने भी पूरी कोशिश की है क्योंकि उन्होंने 5 साल जो काम किए हैं माइनॉरिटी के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं साफ नहीं है लड़ाई। चलिए हम के सक्सेना जी से बात करेंगे। के सक्सेना जी, आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इमाम बुखारी क्या अपील कर रहे हैं और बीएसपी की तरफ किस तरह से आकर्षित हो रहे हैं मुस्लिम्स, क्या आपको लग रहा है किस तरह का सिनेरियो बन रहा है उत्तर प्रदेश में? आपको लग रहा है कि जो बीजेपी चाह रही थी तकरीबन वह हो रहा है? नेताओं के कहने से मैं नहीं समझता कि वोटर कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि अब वोटर जो है उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में समझ गया है कि सही और गलत क्या है और वो अपना निर्णय चुपचाप देगा और वो चौंकाने वाला होगा। मैं जैसा समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने तरीके से वोट देंगे और किसी चीज से प्रभावित नहीं होंगे और ना हिंदू को प्रभावित होना चाहिए, उनको भी किसी धार्मिक उन्माद ने अपने वोट का नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो होता है ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन अगर ये हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, बेसिक समझिए कि मुस्लिम मतदाता मुसलमान को ही वोट देता है और 100 जब बीएसपी ने खड़े किए और कांग्रेस और सपा ने मिला के 60 खड़े किए हैं तो निश्चित ही जो मुस्लिम मतदाता अपने क्षेत्र में जो मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसे वोट देता है और ये तो यूपी का फेमस है कि जिस जात का उम्मीदवार होगा उसी जात के वोट उसे मिलते हैं, तो इस गणित से निश्चित ही जो वोट बट रहा है ये दिख रहा है और ये वोट बट रहा है इसी का एडवांटेज। आपके छटपटाहट है या नहीं, या नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, छटपटाहट किसकी है और किसकी नहीं है ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बैठ के तो ऐसे आक्रामक होकर निशाना साध रहे हैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर, जिस तरह की उनकी शैली है वो तो निश्चित तौर पर कुछ और बयां कर रही है। नहीं, ये
अब जिसको जैसा भाव आ रहा है वैसा वो देख रहा है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर पीएम की रेटिंग हाई है और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी हमारे कांग्रेस के मित्र बहिर्गमन कर गए, और जबकि उसके पहले वो विषय नहीं है प्रधान जी, वो विषय नहीं है। हम चलेंगे लखनऊ अपने एडिटर इन चीफ के पास। रिजवान जी, आपने सारी बातें सुनी और क्या आप इसका लब्बुलवाब निकालते हैं? रुपेश, मैं अबू आसिम की इस बात से तो सहमत हूं जी कि इमाम बुखारी के कहने पर कोई मुस्लिम अगर किसी को वोट दे देता है तो ऐसा तकरीबन नहीं है। हाँ, इनके इस तरह के ऐलान से, इसलिए कि इसको मैं फतवा भी नहीं मानता, ये फतवा तो है नहीं, इसलिए कि फतवा तो धर्म के लिए दिया जाता है, मतदान करने के लिए नहीं दिया जाता है, धर्म की बात बताने के लिए फतवा होता है। तो ये अगर जिस तरह से ये अपील करते हैं या घोषणा करते हैं या एक तरह से जिस तरह से ये लोगों को कहते हैं कि ऐसा करो, एक आदेश देते हैं, ये इससे मतदाता कोई बहुत प्रभावित होता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जो दूसरे बहुसंख्यक या अन्य तरह के जो मतदाता हैं वो इससे कहीं विचलित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। उनको ये लग सकता है कि मुसलमान इनके के नेता ऐसा कह रहे हैं तो इनके कहने पर सबको वोट दिया जाएगा, इस तरह का माहौल बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो अंदरूनी खाने में जिस तरह का माहौल है, मुस्लिम बहुत शांति से मतदान करेगा। और परंपरा यही रही है उत्तर प्रदेश में कि पहले कभी कांग्रेस को, बाद में ज्यादातर समाजवादी पार्टी को और कुछ अंश बहुजन समाज पार्टी को, यह परंपरा रही है मतदान की मुस्लिमों के। जैसा प्रधान साहब कह रहे थे कि मुसलमान जो है वो सिर्फ मुसलमान को वोट देता है, ये भी एक असहमति वाली बात है, इसलिए कि मुस्लिम अभी तक तो उसे मतदान करता रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिमों के बीच में तालमेल बैठ नहीं पाता, इस बार भी एक भी सीट नहीं दी उन्होंने, एक भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया, तो ये इस तरह का माहौल है। लेकिन इस बार मुस्लिम बहुत शांत है और लगता है इसी वजह से ये ध्रुवीकरण के प्रयास हैं वो बहुत अधिक तक फल फूल नहीं पा रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सिर्फ मुस्लिम किसको वोट देंगे, हमारी पूरी चर्चा इस पर सीमित हो गई है, जबकि हमारा विषय बहुत हद तक ये था कि प्रधानमंत्री ने कई सभाएं की और उन्होंने सीधे हमला किया, उन्होंने अखिलेश पर हमला किया, राहुल गांधी को तो यहां तक कह दिया कि उनके बारे में जोक बनते हैं, उन्होंने आजम खान को भी आड़े हाथ लिया। इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने जैसे अपने विरोधियों को, मायावती के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिस तरह से अपने विरोधियों को सीधा निशाना किया प्रधानमंत्री, और इस तरह से व्यक्तिगत हमले, ये भी आज बहुत चर्चा का विषय है। राजनाथ सिंह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने हमले कुछ कम किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सभाओं में आज व्यक्तिगत हमले किए हैं विरोधियों पर, और खासतौर से राहुल गांधी के बारे में जोक वाली बात करना, आजम खान के बारे में बात करना, ये सब चीजें कुछ बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। और अपने मेहमानों से ये पूछना भी चाहिए कि क्या चुनाव इस तरह से व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में सीमित हो जाने चाहिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब और आरसी भट्ट जी, शैलेन्द्र प्रधान जी, रवि सक्सेना जी, के सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो पहले दंगल की शुरुआत होनी है 11 फरवरी को, और जो तमाम रुझान आ रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, इमाम बुखारी अपील करते हैं, जो भाषण है चुनावी सभाओं का उसका स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी कुछ गुल खिलाने वाले हैं और परिणाम आने के बाद इनका सही आकलन हो पाएगा। बहरहाल हमारे विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रैन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। अर्थराइटिस और पाचन तंत्र के रोगों से
पूर्ण छुटकारा पाएं पतंजलि एलोवेरा जूस अब। आ गई हमारी मैडम स्कूल से। अच्छा जी बताओ कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन कक्षा छठवीं का? बहुत बढ़िया माँ, ये देखो क्या मिला है स्कूल से। अरे जरा हमें भी तो बताओ क्या मिला है हमारी लाडो को है। पता है बापू, स्कूल में मास्टर जी ने छात्रवृत्ति का सर्टिफिकेट दिया है और ये भी बताया है कि हमारे बैंक अकाउंट में लाडली लक्ष्मी योजना के 2000 रुपए जमा हो गए हैं। अरे वाह, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। हमारी आंगनबाड़ी वाली दीदी ने हमें बताया है कि जब तू कक्षा नौवीं में पहुँचेगी तब 4000 रुपए मिलेंगे और जब 11वीं और 12वीं में पहुंच जाएगी तब 6000 रुपए मिलेंगे। जब हमारी लाडो पूरे 21 साल की हो जाएगी ना तब 1,00,000 रुपए मिलेंगे यार। बस बेटा तुम मन लगा के पढ़ाई करती रहे। दीदी लाडो तू तुझे पढ़ने का डॉक्टर बनना है ना। सुनिए जी, जब ये 18 साल की हो जाएगी ना उसके बाद ही हम इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। तुम 18 साल कह रही हो? अरे मैं तो 21 साल के बाद इसकी शादी के बारे में सोचूंगा, है ना बिटिया। बेटियां तो जब तक जिएगी तब तक माता पिता को बहनों और भाइयों भूल नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटियों को पराया धन मत मानना, कत्ल खाना कोख को मत बनने देना, बेटियों को भी दुनिया में आने देना, क्योंकि बेटियां हैं तो ये दुनिया चलेगी, तो ये सृष्टि चलेगी। तो हमारे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं, ये डॉक्टर बन सकते हैं, ये इंजीनियर बन सकते हैं, ये IAS बन सकते हैं, ये IPS बन सकते हैं, ये वैज्ञानिक बन सकते हैं, ये बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। 12वीं में 85% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाए, कॉलेज में पढ़ने जाए तो मामा स्मार्टफोन दिलवाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एडमिशन अगर चिन्हित मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है, किसी और उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना है तो बेटियां सौगातों सी लगती हैं। एमपी नई दिशा में बढ़ रहा है, प्रगति का रंग दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, प्रगति का रंग दिख रहा है। आओ हम बदल हैं हालात, देकर मोदी जी का साथ। आओ हम बदल हैं हालात, देकर मोदी जी का साथ। अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। हर हाल उत्तराखंड में खुशहाली हम लाएंगे, हर हाल उत्तराखंड में खुशहाली हम लाएंगे। भाजपा के साथ